नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नवादा पहुंचे चिराग पासवान का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। जोरदार स्वागत कह सकते हैं कि चिराग पासवान का नवादा पहुंचते ही किया गया है। उनके समर्थक शुभचिंतक जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चिराग पासवान नवादा पहुंचेंगे और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। देखिए, जन संवाद कार्यक्रम, और ऐसे में बिहार के तमाम जिलों में तमाम जो एलजेपी आर के नेता हैं, चिराग पासवान हैं, वो लोगों से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा पहुंचे थे चिराग पासवान, उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार भी पहुंचे थे। और जिस तरीके से स्वागत किया गया है, तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी बाखूबी चल रही होगी। जैसे ही मंच पर चिराग पासवान चढ़े, देखिए जोरदार नारे भी गूंज रहे हैं चिराग पासवान जिंदाबाद के, और यूं कहे कि जन सैलाब उमड़ा है। चिराग पासवान ने माइक हाथों में थामते ही कह दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। विजन साफ है, 2024 और 25 में ताकत भी दिखाई जाएगी, मगर नवादा सीट अब हॉट सीट बनता जा रहा है। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना, ये एक ऐसी सोच है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट न सिर्फ बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, न सिर्फ हर प्रखंड में नहीं हर पंचायत में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता है, न सिर्फ बेहतर प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं। आज हम लोग का डिग्री का कोर्स कितने सालों में पूरा होता है? कितने साल में? 5 साल में? 3 साल का कोर्स 5 वर्ष 6-6 साल में पूरा होता है, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। तो आपने सुना चिराग पासवान को, देखिए स्वागत किस तरीके से हो रही है, जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं, मंच पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण कुमार चिराग पासवान के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके पुत्र ऋतुराज वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से नवादा में उमड़ा है। लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ता, नवादा की जनता चिराग पासवान को सुनने ग्राउंड पहुंच गए। चिराग पासवान भी खूब गरजे। खैर, स्टूडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।